सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो गाइस। तो गाइस आज मैं निकला हूँ यामाहा आरएक्स का मीटर को चेक करने के लिए गाइस। सो गाइस मैंने इसमें स्प्लेंडर का मीटर इंस्टॉल किया है। सो गाइस अपनी आरएक्स में स्पीडोमीटर बंद है, आप लोग देख सकते हो कि इसकी जो सुई है वो भी टूट गई है और ये मीटर सिर्फ 7 किलोमीटर ही चला है। ये मीटर मैंने रिपेयर करवाया था गाइस, लेकिन ये 7 किलोमीटर ही चलने के बाद ये मीटर बंद हो गया और उसकी सुई है जो टूट गई। तो गाइस इसमें हम क्या करने वाले हैं कि गाइस हम स्प्लेंडर का जो ये वाला मीटर है, अंदर वाला मीटर, वो हम इस आरएक्स के स्पीडोमीटर में डालने वाले हैं। गाइस मैंने कभी स्प्लेंडर का ये वाला मीटर कभी आरएक्स में लगाया नहीं है, लेकिन आज गाइस देखते हैं कि इसमें लगता है कि नहीं। तो गाइस इसमें इसका हैंडल भी चेंज होने वाला है, ये हैंडल रस्ट पकड़ चुका है इसीलिए। और गाइस इसका इंडिकेटर का भी एक जुगाड़ है मेरे पास, वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे इसको मैं ठीक कर सकूँ। तो चलिए गाइस खोलते हैं स्प्लेंडर का मीटर और आरएक्स का मीटर। तो गाइस दोनों मीटर अंदर से सेम है। तो गाइस चलिए उसका ऊपर का जो डिस्प्ले है ये और ये दोनों चेंज करके देखते हैं क्या इसमें लग पाता है या कुछ उसमें मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। तो चलिए लगा के मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। सो फाइनली गाइज आरएक्स की प्लेट पे स्प्लेंडर का मीटर लग चुका है गाइज। तो गाइज चलिए मैं इसको उसके बॉक्स में फिटिंग करके आप लोगों को दिखाता हूँ। सो फाइनली गाइज मीटर कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब इसको बाइक में फिट करके फिर उसकी छोटी सी राइड लेके देखते हैं कि कैसे वर्क करता है ये। तो गाइज अपना मीटर चालू हो गया है। तो गाइज अपना मीटर कंप्लीट वर्किंग हो चुका है और अब गाइज इसका इंडिकेटर जो ये टूट चुका है उसका मैंने ये जो पुराना वाला इंडिकेटर था उसमें से मैंने ये रबर वाला पार्ट्स निकाल लिया है जो मैं इसमें यहाँ फिट कर दूंगा। तो गाइज ये फिक्स हो जाएगा। तो गाइज क्या है, इसमें स्प्रिंग है लेकिन ये वाला जो इंडिकेटर का जो ये रबर है इसमें स्प्रिंग नहीं है। ये वाला जो बोल्ट है वो पूरा इस सिरे से इस सिरे तक है जो ये अब कभी टूटेगा नहीं और ऐसे ही रहेगा। जो इस वाले इंडिकेटर में मैंने डाला था ये टूट चुका था तब मैंने इसमें डाला था, अब मैं इसमें भी ये वाला डाल दूंगा तो ये कंप्लीट हो जाएगा।